हम लोगों ने रास शब्द की बड़ी विडंबना कर रखी है। प्रायः कोई जब स्त्री पुरुष विशेषकर अनैतिक संबंध से मिलते हैं तब लोग कहते हैं ये क्या रासलीला हो रही है, इसका मतलब हमने अपने मानसिकता में रासलीला का क्या रूप बना रखा है। पर स्त्री पर पुरुष का मिलन को ही हम रासलीला समझ बैठे हैं। व्यवहार में तो हमारी बोलचाल से यही प्रतीति होती है, पर रासलीला का अर्थ क्या है? भगवान रस रूप है, श्रुतियों ने परमात्मा को रस रूप कहा है। रसो वैसा रसम हेवानम लब्धानंदी भवती, श्रुति ने कहा है, वेदों ने कहा है कि वो परमात्मा रस रूप है। अब परमात्मा जब रस रूप है तो उसका रसास्वादन कैसे किया जाए? तो अपने दिव्य रस की अनुभूति कराने के लिए ही भगवान ने महारास रचाया है, और जिनको यह रस प्रदान किया है वे रसिक जन भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये गोपियां कौन है? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, यज्ञ सीता आदि, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आए। जब राम जी महाराज दूल्हा बन के मिथिला में गए तो सब दीवाने हो गए थे। मिथिलापुर की नारियां मिथिलानियां राम जी के रूप पर मुग्ध हो गई। तब भगवान ने उनसे कहा, देवियों हम तुम्हारा मनोरथ जरूर पूरा करेंगे पर अभी नहीं, अगले अवतार में। तो मिथिलापुर की नारियां भी सब ब्रज की गोपियां बन के आई हैं। बड़े बड़े दंडकारण्य के बीतराग जो संत हैं वो राम जी का रूप देख करके दीवाने हो गए कि एक बार तो इनको गले लगाने का मन हो रहा है। तो भगवान ने कहा, महात्मा हो तुम, दाढ़ी मूछ वाले बाबा हो, तुम्हारा मनोरथ जो हृदय में उत्पन्न हो रहा है वो इस रूप में पूरा नहीं करेंगे, तुम सब गोपी बन के वृंदावन में आओ तब तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो दंडकारण्य के वे विरक्त संत ही ब्रज की गोपियां बन करके आ गए। तब भगवान ने उनका मनोरथ पूरा किया है। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिना ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम इच्छन् स विग्रही। तो ये न मानुष्य कदाचन, ये रासलीला की ब्रज गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, सब दिव्यात्माएं हैं। जो उस रस को पाना चाहते थे रसिक जन वे ही गोपी बनकर के आ गए। महारास में भगवान ने उन्हीं को बंसी बजा के बुला लिया। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आ गई। गोपियों का चीर चुराते समय भगवान ने उनको वचन दिया था कि देवियों जिस भाव से तुम मेरी उपासना कर रही हो, कात्यायनी की अभ्यर्चना कर रही हो, तो वो तुम्हारा मनोरथ मैं शरद पूर्णिमा की रात में अवश्य पूर्ण करूंगा। वही शरद पूर्णिमा की दिव्य महारात्रि उपस्थित हो गई, जिसमें चांदनी की दिव्य छटा से वन प्रदेश बहुत ही सुंदर चमक रहा था। शारदीय सुमनों की सुगंध से वायु सुवासित हो रही थी। ऐसी सुंदर चांदनी उस रात में माधव के मन में ब्रज गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा हुई। रंतुम मनश्चक्रे, तो भगवान ने तुरंत योग माया का स्मरण किया। योग माया मुपाश्रित, अघटित घटना पटीयसी माया, असंभव को संभव कर देने वाली माया, उसका नाम योग माया। भगवान की तीन प्रकार की माया है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। परंतु यहां योग माया के नाम से भगवती वर्षवानुनंदनी भगवान की आह्लादनी शक्ति रास रास्यश्वरी राधा रानी का प्रभु ने स्मरण किया है। युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। राधा रानी का प्रभु ने स्मरण किया, और किशोरी जी का स्मरण करके माधव ने आज बड़ी मधुर मुरली बजाई, इतनी प्यारी बंसी बजाई।
कल भी बंसी की चर्चा करी थी, पर कल जो बंसी की चर्चा आपने सुनी थी वो भी शरद की ऋतु में ही बजी थी, पर सर्वभूत मनोहरम, उस बंसी ने सारी दुनिया को दीवाना बनाया था, पर आज जब रास रचाने के लिए बंसी बजाई तो जगउ कलम बाम दृशम मनोहरम। आज जब बंसी बजी तो केवल ब्रज गोपियों के ही कान में पड़ी, और किसी को बंसी सुनाई नहीं पड़ी। जिनका चीर हरण करके भगवान ने वचन दिया था रास में आने का, वे ही गोपियां आज बंसी सुन पा रही हैं। इतनी प्यारी बंसी बजाई कि गोपियां सुनते ही दीवानी होकर के दौड़ी दौड़ी चली आई। जैसे ही सब गोपियां आई, भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। वो महाभागा सुस्वागतम, आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ब्रूतागमन कारणम, ये रात का वक्त हो रहा है और जंगल में मेरे पास सबकी सब इकट्ठी दौड़ के क्यों चली आई? सब राजी तो राजी खुशी तो है ब्रज में, किसी राक्षस ने हमला तो नहीं कर दिया ब्रज के ऊपर? गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं कोई खतरा नहीं है। जब कोई खतरा नहीं है तो सबकी सब झुंड बना के मेरे पास भाग के जंगल में क्यों आई हो? आगमनम कारणम ब्रूत, आने का कारण तो बोलो। सोई गोपियों का मुंह लटक गया। साल भर पहले चीर चुरा के इन्होंने कहा था कि शरद पूर्णिमा के रात में मिलेंगे, और जब एक एक दिन काटते काटते मुश्किल से एक साल कटा, और एक साल के बाद जब शरद पूर्णिमा का दिन आया तो इन्हीं ने बंसी बजा के हमको नाम ले लेके बुला लिया, और जब घर परिवार छोड़ के पागलों की तरह इनसे मिलने आ गई तब यही श्रीमान जी पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, कहो कैसे आना हुआ? ये तो वही बात भाई, पंडित जी नौता है 12 बजे आ जाइए कल घर, ठीक है? पंडित जी ने भी घर पे कह दिया पंडितानी से भोजन मत बनाइयो, हमारो निमंत्रण आ गयो पंडा जी के यहां से, अब घर में भोजन नहीं बना, ठीक है मैं तो बासी खा लूंगी। और जब भद दोपहरिया में 12 बजे तपते हुए धूप में पंडित जी पहुंचे घर, और जैसी किवाड़ खोल करके देखा, अरे आइए आइए पंडित जी महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब पधारे महाराज, और बताओ महाराज कैसे आना हुआ? अब बताओ पंडित जी पे क्या बीतेगी, तुमने ही निमंत्रण दिया और तुम्हारे निमंत्रण पे ही आए हैं, और तुम ही कह रहे हो कि कैसे आना हुआ? ब्रूतागमन कारणम। गोपियों को बड़ा बुरा लगा, पर क्या कहती बेचारी, मुंह लटका के रह गई। भगवान बोले हम समझ गए समझ गए, लगता है आज शरद पूर्णिमा की रात है इसलिए चांदनी बड़ी प्यारी लग रही, रात में चांदनी पूर्णिमा की बड़ी प्यारी लगती है, लगता है इसी चांदनी को देखने आई होगी जंगल में। पर याद रखना, रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेवता, जितने भी जानवर खतरनाक होते ना वो रात में ही घूमते हैं आहार करने के लिए, किसी शेर भालू ने देख लिया तो 2 मिनट में चांदनी उसके पेट में ही नजर आएगी, इसलिए चांदनी देख ली हो जंगल घूम लिया हो तो अब पधारो अपने अपने घर। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, गोपियों ने सिर हिला के कहा ये चांदनी बहुत बात देखी है, चांदनी देखने नहीं आई हम। अच्छा तो फिर क्यों आई हो? अब समझा घर में पतदेव से खटपट हो गई होगी, तो तुरंत झगड़ा करके भगियाई मेरे पास, बिल्कुल गलत बात है। कितना भी घर में महाभारत क्यों ना हो जाए पर देवी को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। पतदेव कैसे भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर नहा तब्यो लोके सुभिर पात की, बुढ़ा हो निर्धन हो कोढ़ी हो क्रोधी हो कैसा भी पति क्यों ना हो, फिर भी पतिव्रता स्त्री को पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला के कहा
कायकुम प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ भिड़ के थोड़ी आई हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। भगवान बोले तो फिर आई क्यों हो ये तो बताओ। गोपियां आपस में बोली, बहन जब तक हम इनको जवाब नहीं देंगी तब तक ये खड़े खड़े ऐसे हमको प्रवचन देते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर के जवाब दिया। 10 श्लोकों में भगवान का प्रश्न है कि तुम क्यों आई हो मेरे पास, तो 11 श्लोकों में जवाब दिया गोपियों ने कि इसलिए आई है। तो जो जवाब दिया है गोपियों ने, इसी का नाम है प्रणय गीत। इस प्रणय गीत में कहा कि हे प्यारे आसमान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से त्याग न करो, हम जब से आई हैं तब से आपके मुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, हमारा आना इतना बुरा लगा आपको कि हमारी सूरत इतनी गई गुजरी है जो आपने एक भी मीठी सी बात हमसे नहीं करी। अरे मधुराधिपते रखेलम मधुरम, आप तो मधुरता की प्रत्यक्ष मूर्ति हो, और मधुराधिपति हो करके भी ये कड़वा करेला जैसा कटु वचन आपकी वाणी से क्यों निकल रहा है आज। मई बम ऐसा मत बोलिए, हम तुम्हारे लिए सारा संसार छोड़ के आ गए। संत्यज्य सर्व विषयांस तब पाद मूलम, हमें नहीं मालूम कि लौटने के बाद हमारे पतिदेव हमें घर में घुसने देंगे, हमारे बंधु बांधव भाई हमसे कितना झगड़ेंगे, क्या क्या पूछेंगे, कोई परवाह नहीं। तुम्हारी बंसी की तान सुनते ही सबको छोड़ करके पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा नत विलंघते तच्युता गता, सब छोड़ के आ गया। आपको कम से कम कुछ तो मीठी सी बात हमसे करनी चाहिए थे, जब से आई है तब से क्यों आई हो। यदि हमको ऐसे ही भगाना चाहते तो ठीक, हम भाग जाते। भगवान बोले तो जाओ, पर जाएं कैसे। भगवान ने कहा जिन पैरों से आई हो उन्हीं पैरों से जाओ। बोले पादौ पदम न चलता, गोपियां बोली हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे, क्यों नहीं चल रहे, क्या बीमारी हो गई। गोपियों ने कहा चित्तम सुखेन भवतापहृतम, आपने बड़े आनंद पूर्वक बंसी बजा के हमारा चित्त चुरा लिया, हमारा मन हर लिया, कृष्ण गृहीत मानसा, अब न मन हमारे पास है न चित्त हमारे पास है, और शरीर के प्रत्येक क्रियाएं इनके द्वारा प्रेरित होकर के ही होती है। मन जब कहेगा कानों से कि कथा सुनो तब कान कथा सुनेंगे, मन लगा के जब सुनोगे तो, और मनीराम जी दुकान का हिसाब कर रहे हैं बैठे बैठे, तो सुनते रहो कथा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी। तो प्यारे हमारा मन और चित्त सब आपके पास है, तो अब घर लौटें तो कैसे लौटें। मन जब पैरों से कहेगा चलो तभी तो ये चलेंगे, और मन है ही नहीं हमारे पास तो पैर कैसे चले अब। इसलिए पादौ पदम न चलता। भगवान बोले तो चाहती क्या हो ये बताओ। गोपियों ने कहा एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। हाँ तो पूछो। बोले आपने हमको जब से आई हैं पातिव्रत का प्रवचन खूब सुनाया, स्त्री का पति परमेश्वर होता है, हमको समझ में बात आई, ये नई बात नहीं, हम पहले से जानते थे, हम कुलीन परिवार की हैं, अच्छे खानदान की, हमें पता है पति का महत्व तो क्या होता है, हम जानती हैं कि पति साक्षात परमेश्वर के समान होता है। पर एक प्रश्न हम आपसे पूछती हैं, एक पतिव्रता पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी, बिना खिलाए नहीं खाती थी, हर बात की आज्ञा मानती थी। एक दिन अचानक पति बोले देवी जी कुछ काम से हमें बहुत जरूरी बाजार वो विदेश जाना है, परदेश, कब आएंगे कुछ पता नहीं, फिर भी मैं कोशिश जल्दी आने की करूंगा, तब तक तुम अपना निर्वाह कर लेना घर में जैसे बने थे। तो वो बेचारी रोने लगी, दुखी होने लगी। पति ने कहा देवी परमानेंट नहीं जा रहा, कुछ दिन के लिए जा रहा हूं। तो बोले मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पतिदेव ने कहा तो ये हमारा फोटो रख लो अपने पास, जो पूछना है इसी से पूछ लिया करो, इसी से आज्ञा मांग लिया करो, इसी का भोग लगा लिया करो, और तुम साक्षात मुझे इसमें देखा करो चित्र में। और ऐसा कह करके पति अपना चित्र दे करके परदेश चला गया। वो बेचारी पतिव्रता पति के चित्र को ही देखती रहती थी, उसी में पति का दर्शन करती, उसी का भोग लगाती,
चित्र को ही साक्षात पति के समान मानती। अब एक दिन जब पति के चित्र का पूजा करके भोग लगा रही थी प्यार से भाव से, इतने में पतिदेव उसके आ गए और कुंदी खटखटाने लगे, देवी मैं आ गया, किवाड़ खोलो। अब प्रभु आप ही बोलो वो क्या करे, कुंदी खोले या भोग लगावे। भगवान बोले इसमें क्या पूछना, अरे पति के चित्र का ही तो पूजा भोग लगा रही है, वो तो तब तक के लिए था जब तक पति असली वाले नहीं थे, जब असली पति आ गया तो अब फोटो की पूजा और भोग लगाने की क्या जरूरत, अब असली पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा बस बस यही हम कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं। बोले पति परमेश्वर की तरह होते हैं, परमेश्वर के समान होते हैं, और आप साक्षात परमेश्वर ही हो, तो जब तक साक्षात परमेश्वर हमको नहीं मिले तब तक पति परमेश्वर को हमने पूरी तरह माना और पूजा, और जब आज साक्षात पति हमारे परम पति जगत पति हमारे सामने आ गए, जीव मात्र के परम पति तो परमात्मा ही हैं। भक्तिमती मीरा कहती है ऐसे बर को कोबरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिये गोपाल जो मारो छोड़ो अमर हो जाए। भगवान जगतपति हैं, जीव मात्र के परम पति हैं। पति का अर्थ क्या होता है, पारक्षणे पाति रक्षति इति पति, जो हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करे उसका नाम पति। तो भगवान जीव मात्र के परम रक्षक हैं, इसलिए जगतपति भगवान है। गोपियां कहती हैं कि जब साक्षात पति हमारे सामने खड़े हैं तो परमात्मा के चित्र की पूजा करने, नकली पतियों की पूजा करने के लिए आप हमें क्यों भेज रहे हो, इसलिए अब हम जाने वाली कदापि नहीं है, लौटने वाली कभी नहीं है। गोपियों की हर परीक्षा, गोपियां हर परीक्षा में पास हो गई। 150 रुपए का मिट्टी का मटका भी आप खरीदते हो तो 10 बार ठोक ठोक के बजा बजा के देखते हो कहीं चटका फूटा तो नहीं है। सिर्फ पानी भरने के लिए मटके को आप ठोक बजा के खरीदते हो तब पानी भरते हो। तो जिन गोपियों के हृदय घट में प्रेम रस भगवान भरना चाहते हैं महाराष्ट्र में, उन गोपियों के घट का भी परीक्षण करना चाह रहे हैं, इनकी भक्ति कितनी सुदृढ़ है, इनमें पात्रता कितनी परिपक्व है, इसलिए भगवान ने परीक्षण किया और गोविंद की हर परीक्षा में गोपियां उत्तीर्ण हो गईं, पास हो गईं। तब भगवान प्रसन्न हो गए और प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामो प्यरी रमत। गोपियां जब पास हो गईं तो भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लगे, प्रहस्य जोर से हंसते हुए जब भगवान को देखा तो गोपियां समझ गईं ये सब हमारी परीक्षा ले रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारे कहने से वास्तव में लौट ही जाएंगी क्या, पर दृढ़ता पूर्वक गोपियां डटी रहीं तो भगवान प्रसन्न हो गए और तब गोपियों के साथ रास रचाया, गलवैया डाल के भगवान गोपियों के साथ थिरकने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनालवन नर्मन खाग्र पातैं ब्रज सुंदरीणा उत्तम भयं रतिपतिं रमया चकार। जैसी कन्हैया ताता थैया करके नाचे गोपियों के साथ कि कामदेव ने आकर के भगवान पर तीर चलाने प्रारंभ कर दिए, वशीकरण उच्चाटन मोहन स्तंभन उद्दीपन सारे बाण चला दिए कामदेव ने, पर रतिपतिम उत्तम भयन भगवान ने रति के पति कामदेव को पकड़ के ऊपर लटका दिया और काम का कोई भी प्रभाव भगवान कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ा, हार गया युद्ध में कामदेव, चरणों में गिर गया और भगवान को अपना पिता मान लिया। वही पराजित हुआ कामदेव द्वारका नाथ के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिया, प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। तो कामदेव को भगवान ने इस महाराष्ट्र के युद्ध में जीता है।